इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप फ्री फायर मैक्स के अंदर फ्री फायर के अंदर कस्टम बना रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हम कस्टम का नेम सेट करते हैं तो यहाँ पे एक एरर आता है यूअर मैसेज या फिर यूअर रूम नेम कंटेन फॉरबियंस। ठीक है, तो कैसे आप इसको ठीक करोगे, फॉरबियंस क्या होता है और यहाँ पे आपको इसे ठीक कैसे करना है, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फॉरबियंस की इशू आती है, योर मैसेज कंटेंट फॉरबियंस तो क्या अलाउड नहीं है और आप किस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखिए। बेसिकली आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो रूल्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे रूम नेम है, ठीक है, ये जो आपका ऑटोमेटिकली है उसको अभी के लिए आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो भी नेम है इसको भी आपको ऐसे ही रखना है। इसके बाद आपको जो जो और सेटिंग्स है, जैसे पासवर्ड की है, यहाँ पे आपको अपनी पासवर्ड की लगा देनी है, गेम मोड या फिर मैप्स, टीम मोड, बाकी यहाँ पे जो प्लेयर्स है, मिनिमम लेवल, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको कंफर्म करनी है। गेम्स के अंदर भी सारी आपको सेटिंग यहाँ पे कर लेनी है और जैसे आपका यहाँ पे सब कुछ हो जाए आपको कंफर्म करके कस्टम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे आपका कस्टम यहाँ पे बन जाता है उसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो कस्टम है उसका नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो नेम है वो अभी कस्टम ही बनाई गई है। ठीक है, इस तरीके से जो फॉरबियंस है यानी कि इस तरह की जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर जैसे आप अपना कस्टम क्रिएट कर लोगे उसके बाद अपना नेम जो है आपको चेंज करना है कस्टम का, और उसके बाद आप जो चाहे नेम यहाँ पे मैसेज के तौर पर मतलब सेट कर सकते हो, जो चाहे नेम आप यहाँ पे बाद में जाकर लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।